मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक बादशाह था और उसका जो पानी आता था वो एक ही जगह से आता था, पांच झरनों से वो पानी आता था, वो पांच झरने एक ही जगह पर थे। तो उसका वजीर उस बादशाह को समझाता है कि बादशाह, अगर कोई बादशाह आपसे लड़ाई करेगा, आपसे जंग करेगा, तो वो आपकी कमजोरी देखेगा और हमारी कमजोरी यह है कि हमारा पानी एक जगह से आता है, ये पांच झरनों से आता है, तो सबसे पहले इन झरनों को बंद करेगा, इसके बारे में सोचिए। तो बादशाह उसका मजाक उड़ाता है, वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। फिर कुछ दिन बाद एक बादशाह उसके उन झरनों को रोक देता है, उसके पानी को जाम कर देता है। अब जो पानी बादशाह के पास पहले पहुंच चुका था वही नहाने के लिए था, वही पीने के लिए था, सारा पानी वही था। अब पानी का कोई इंतजाम नहीं था और अंदर कोई ऐसे जराए मौजूद नहीं थे जिनसे पानी का इंतजाम किया जा सके। अब उस बादशाह के पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि वो पछताए। तो यह बात हमें भी समझने की है, कहीं हम भी उस बादशाह की तरह पछताते ही ना रह जाएं। तो इस बात से हमें सबक लेने की जरूरत है, जब हमारे पास वक्त नहीं बचेगा तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हम पछताएंगे। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें अल्लाह से रुजू कर लेना चाहिए, हमें अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतर आना चाहिए, हमें अल्लाह से दोस्ती लगा लेनी चाहिए, हमें गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। क्या खबर मौत का फरिश्ता किस घड़ी आन पहुंचे।